के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने पूरे परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसके साथ ही जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सभी के जीवन में हमेशा धन वैभव ऐश्वर्य बना रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, अभी मैं 2-3 दिन के लिए बनारस गई थी, काशी। वहां से मैं विंध्याचल भी गई थी विंध्यवासिनी माता के दर्शन करने, लेकिन यहाँ वहां जाकर मेरा मन बहुत खराब हुआ। वजह थी वहां की गंदगी देखकर, कहां मोदी जी और योगी जी वहां सफाई अभियान के लिए लोगों को इतना प्रेरित कर रहे हैं, इतनी तरह तरह के अभियान चला रहे हैं, वहां की गंदगी देखकर, वहां के सुस्त प्रशासन को देखकर मन इतना खराब हुआ कि पवित्र नगरी में इतनी गंदगी, जब पर्यटक आए तो वहां गंदगी इतनी। विंध्याचल माता का जो मंदिर है, विंध्यवासिनी माता का मंदिर, इतना जग प्रसिद्ध है, शक्तिपीठ होने के बावजूद इतनी गंदगी थी वहां पर दोस्तों कि मन खट्टा हो गया। लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए, इसलिए मन में थोड़ी शांति हुई कि चलिए कुछ भी हो, दर्शन तो मुझे अच्छे से हो गए। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको 2 दिन से वीडियो वहीं से पोस्ट कर रही थी। आज मैं अपने होम टाउन यानी फिरोजाबाद में हूं, आज मैं यहां से आपको वीडियो दे रही हूं। आज मैं दोस्तों आपको एक जो प्रयोग देने वाली हूं, वो विशेष है और सभी के लिए है। दोस्तों, जीवन में लग्जरी सबको चाहिए, धन वैभव ऐश्वर्य, लग्जरियस लाइफ, गाड़ी भी, बंगला भी, अच्छे से खाना, अच्छे से पहनना सभी को चाहिए होता है। लेकिन बहुत बार हमारे जन्मांग में जो 9 ग्रह हैं, इन्हीं के आधार पर जब हमारा जन्म होता है, उसी समय डिसाइड हो जाता है कि हमारा भाग्य क्या होने वाला है। हम अगर उस भाग्य के बढ़ाने के अपने कार्य करते जाते हैं, तो हमारा ये भाग्य भी हमारा बढ़ता चला जाता है, उससे हमें और अधिक फायदा मिलने लगता है। लेकिन नहीं पता होता है तो वो हमारा भाग्य खराब होने लगता है, चीजें हमारी लाइफ से आते आते हमारे साथ से निकल जाती हैं। हर ग्रह का हर अंग के साथ में भी संबंध होता है। जीवन में जो 9 ग्रह हैं, उनमें से शुक्र हमारे भौतिक सुख संसाधनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। इसका बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी की कुंडली में महत्वपूर्ण स्थान है और प्रबल होना भी आवश्यक है, तभी आपको जीवन की लग्जरियां प्राप्त होती हैं। अगर ये आपका कमजोर होता है या उसमें डिग्री नहीं है, खराब है, तो आपके जीवन में उस क्षेत्र से संबंधित, उस अंग से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आने लगती हैं। छोटी सी विधि के द्वारा आप अपने उस शुक्र ग्रह को आप कैसे मजबूत करें, ये तो मैं आपको बता ही रही हूं। दोस्तों, शुक्र ग्रह जो कि हमें वैवाहिक सुख देता है, जीवन में लग्जरी लाइफ प्रदान करता है, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छे पहनना, महंगी गाड़ियों में घूमना, अच्छे घर में रहना, ये सभी हमें शुक्र से मिलता है। शुक्र का अगर आप हथेलियां देख रहे हैं अपनी, अगर आपकी बहुत अधिक लालिमा लिए हथेलियां हैं, तो दोस्तों आपको यकीनन गुस्सा बहुत अधिक आता होगा। सामान्य अगर आपकी गुलाबीपन पे हथेली है, तो आपका शुक्र अच्छा है। अगर आपका ये गद्दीदार हिस्सा उठा हुआ है, तो आपका शुक्र अच्छा है। पुरुषों के लिए तो शुक्र का मजबूत होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनका दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है, बच्चों के होने में भी दिक्कत हो जाती है। तो ये जरूरी नहीं कि आप पूजा पाठ करें, महंगे रत्न पहने। मैं महंगे रत्न वैसे भी नहीं बताती हूँ अपने ज्योतिष के करियर में। दोस्तों, मैं कभी किसी को रत्न इसलिए रिकमेंड नहीं करती हूँ, एक तो वो महंगे होते हैं, दूसरा उनकी कोई प्योरिटी की गारंटी नहीं है, तीसरा आप वैसे ही इतने फाइनेंशियल परेशानी में चल रहे हैं, उस पर आप महंगे रत्न पहन लीजिए, उनसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप उस रत्न को खरीदने की जगह अगर आप उसकी FD बनाकर अपने लॉकर में डाल दीजिए, और कुछ दिनों बाद यानी कुछ सालों बाद आप देखेंगे तो आपको रत्न से ज्यादा वो FD आपको फायदा दे जाएगी, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को मजबूत कर देगी। इसलिए दोस्तों, मैं ज्योतिष के आधार पर ही आपको प्रयोग देती हूँ। ज्योतिष एक बहुत बृहद विषय है, हर तरह के उपाय आपको यहाँ मिल जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप महंगी महंगी पूजाएं कराएं, महंगे रत्न पहने तभी आपके ग्रह मजबूत होंगे। सामान्य विधियों से भी आपको ग्रह मजबूत किए जा सकते हैं, बशर्ते कि आपको उसका तरीका पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका शुक्र ग्रह कमजोर होगा, तो आपको, अगर महिलाएं हैं तो आपको हार्मोन से संबंधित समस्याएं होंगी, पीरियड्स आपके समय से नहीं होंगे, आपको थायराइड हो सकती है, पुरुषों में भी थायराइड हो सकती है, बहुत बार डायबिटीज भी शुक्र के ही कारण हो जाती है। दोस्तों, यानी कि कहने का है, मतलब है कि आपको आपके लाइफ से लग्जरियां कम होने लगती हैं। कैसे आप अपने शुक्र को एनहेंस करें, मजबूत करें, सामान्य सी ही विधि है दोस्तों, और सबको मजबूत करना जरूरी है, चाहे वो बुजुर्ग क्यों ना हो, क्योंकि बुजुर्ग में के जीवन में बीमारियां आ जाती हैं तो उनकी लग्जरी खराब हो जाती है। तो इससे एक तो आपका इस पर्वत को
आप जब इसको एक्टिवेट करते हैं तो एक तो आपका थायराइड ठीक होता है, हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक होती है, आपकी वजन कम होता है आपका, आपको यूट्रस से संबंधित समस्याओं में आपको फायदा मिलने लगता है, वजन भी साथ में कम होता है। शुक्र पुरुषों की कुंडली में जो शुक्र कमजोर होता है तो शुक्राणु कम हो जाते हैं, शुक्राणु आपके मजबूत होने लगते हैं, इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। कहने का तात्पर्य शुक्र मजबूत होगा तो आपकी सारी चीजें आपके जीवन में आने लगेंगी। शुक्र को मजबूत करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको शहद लेना है, 2 बूंद शहद लीजिए। आप इसको किसी भी समय कर सकते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं आप घर के मंदिर में ही बैठे, किसी भी समय बैठिए, कहीं भी बैठिए, चाहे तो मैं जो आपको मंत्र बता रही हूं उस मंत्र के जरिए और चाहे तो बिना मंत्र के भी। आपको इस पॉइंट को आपको कैसे एक्टिवेट करना है, आपको यहां पर 2 बूंद शहद डालना है उल्टे हाथ की हथेली, आपको सीधे हाथ की हथेली पर, पुरुष है तो सीधे हाथ की हथेली पर और महिला है तो उल्टे हाथ की हथेली पर, यहां पर 2 बूंद आपको शहद डालना है और इस तरह से आपको क्लॉकवाइज घुमाते हुए ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, इस तरह से क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। महिला है तो भी क्लॉकवाइज उल्टे हाथ पर और पुरुष है तो उल्टे हाथ सीधे हाथ पर। अब मान लीजिए कि आप मंत्र का जाप नहीं करना चाहते हैं तो 5 मिनट तक बस इसी तरह से इसको एक्टिवेट करते रहिए, गोल 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 घुमाते रहिए इसको, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा, हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक होंगे, आपके पुरुषों के भी हार्मोन ठीक होंगे, आपका थायराइड ठीक होगा, साथ में ही आपका वेट लॉस होगा। इतने सारे लाभ हैं दोस्तों एक इतने छोटे से प्रयोग से। मंत्र का भी जाप करेंगे तो और अधिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मंत्र का जाप नहीं करना चाहते सिंपल विधि से कर लीजिए, उसके बाद आप हाथ जाकर हाथ धो लीजिए, बस एक छोटा सा प्रयोग दोस्तों आपके शुक्र को बलि कर देगा। तो जहां शुक्र मजबूत हो गया तो लग्जरी तो आपकी लाइफ में वैसे ही आ जानी है दोस्तों। अब दोस्तों मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग में ग्रहों की कोई भी व्यवस्था रही हो, आप किसी भी राशि भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी देश में रहते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग यानी बच्चे महिला पुरुष बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी है। मात्र 1 मिनट के प्रयोग है जिसमें ना तो समय लगता है ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं सबसे पहले आपका चंद्रमा मजबूत होता है, आपको आपके भाग्य का साथ मिलता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और आपकी ऑरा को क्लीन करता है। जहां आपके नेगेटिव थॉट्स आपके काम बिगाड़ रहे होते हैं वहीं आप जब पॉजिटिव हो जाते हैं आपके सभी सोचे हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। इन्हें जरूर करें, आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे, इनको आपको जल्दी आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। 27 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार, आज का राहु काल है सुबह 10:40 से 12:15 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:50 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों थोड़ा सा दही, उसमें 1-2 बूंद आप शहद डालिए, मिश्रण बनाइए, नहाने के बाद अपने चेहरे पर लगाइए, अपने हाथों पर मलिए और उसको पानी से 2 मिनट लगाकर छोड़ दीजिए, धो दीजिए दोस्तों। ये आज आपके शुक्र को मजबूत करेगा। आपका शुक्र मजबूत होगा तो आपका आकर्षण क्षमता बढ़ेगी, आप जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे वो आपसे आकर्षित जरूर होगा, आपके सोचे हुए कार्य जरूर पूरे होंगे। आज का जो जादुई अक्षर है दोस्तों रमा वाला रा, आर रमा वाला रा, इस रा शब्द को लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा, मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन रा ही होना चाहिए दोस्तों। अब जिनका बर्थडे या मेरिज एनिवर्सरी है उनका यह वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी, इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति इस लकी नंबर को 24 घंटे तक अपने पास लिखकर रख सकता है। आज का लकी नंबर है, व्हाइट कलर के पेपर पर आपको रेड कलर से 9 नंबर लिखना है, यानी 9 का अंक लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, तो यह अंक आपको शुभता प्रदान करता है। दोस्तों मेरा ज्योतिष का चैनल है, मैं यहाँ ज्योतिषी आधार पर आपको उपाय देती हूँ, आपकी कुंडलियों का विश्लेषण करती हूँ। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका आपको निदान नहीं मिल रहा है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सककर अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आपको दोस्तों मेरा जो स्क्रीन पर नंबर है, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा पेड है, यहाँ आपको फीस देनी होती है दोस्तों। मेरा नंबर है 8077506510। अब दोस्तों आज मैंने आपको जो लकी अंक दिया है इसके साथ में ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, साथ में शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। अपना एक क्वेश्चन जो आप मुझसे जानना चाहते हैं जरूर लिखिए, रैंडमली सिलेक्ट होने पर मैं आपका उसका आंसर जरूर करूंगी। दोस्तों मैं आपको बार बार कह रही हूँ रविवार को आने के लिए, लेकिन कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि मैं लाइव आ ही नहीं पा रही हूँ दोस्तों। तो मैं कोशिश करूंगी आपको अगला जब भी मैं आने वाली हूँ मैं आपको पहले से बताऊंगी। अभी मुझे लगता है इस संडे भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए क्वेश्चन, रैंडमली सेलेक्ट होने पर आपको जरूर उसका आंसर मिलेगा। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो है ज्योत बाजीराव जी, 25/1/1969 यानी 69 1:30 AM रात का, धारवाड़ कर्नाटका। काम में प्रमोशन, अब ये मुझे नहीं पता इन्होंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा है कि जॉब में चाहते हैं कि अपने व्यवसाय में प्रमोशन चाहते हैं, ये उन्होंने कंप्लीट नहीं लिखा है। आपकी तुला लग्ने की कुंडली है और आपकी मेष राशि है। इस समय आपकी राहु की मां दशा चल रही है और शनि का अंतर चल रहा है। राहु आपका छठे भाव में बैठा है और शनि भी वहां पर राहु के साथ में है, इसलिए आपको इस समय बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति लग रही होगी। आपका मन बहुत अधिक बेचैन भी होगा। आप इसके लिए अभी प्रमोशन के लिए आपको मुझको दिखता है कि आपको इस वर्ष के अगले वर्ष तक आपको प्रमोशन जरूर मिल जाना चाहिए, और आप उसके लिए गरीब बच्चों की अनाथों की आप सेवा कीजिए, उन्हें कुछ ना कुछ देते रहिए। खासकर सैटरडे वाले दिन गरीब अनाथ बच्चों में कुछ भी ना कुछ दान करते रहिए, और इसके अलावा आप माता माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिए तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं मुझसे अपनी किसी समस्या के बारे में तो जरूर लिखिए अपना कमेंट, अपना नाम वगैरह, तो जिससे मैं आपका सेलेक्ट होने पर आपको उसका जवाब दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।